डेविल ने WWE छोड़ दी है। ये चीज आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वेबसाइट्स ने बताई होगी, पर रियल स्टोरी जो है आपको शायद अभी तक ना पता हो, तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूँ अरमन। चलिए वीडियो में चलते हैं। तो यार, ये सबसे पहले बात स्टार्ट कैसे हुई थी। नेविल 2017 में अपनी इंजरी से रिकवर कर हील बनके 205 लाइव में आया और आकर किंग ऑफ द कर्जरवेट बन गया। उसने कर्जरवेट चैंपियनशिप भी जीत ली, बहुत कुछ हुआ, काफी अच्छा करियर चल रहा था नेविल का। बट इमीडिएटली क्या होता है, नेविल जो है अब WWE से एक फेस डिमांड करता है, यानी कि अब वो नो लॉन्गर हील नहीं रहना चाहता, अब वो बेबी फेस बनना चाहता है, यानी कि बुरा रेसलर नहीं, अब वो अच्छा रेसलर बनना चाहता है। हालांकि WWE ने इसे बहुत समझाया कि तुम्हारा करियर अभी बहुत अच्छा चल रहा है, अगर तुम ऐसे चलते रहोगे तो काफी कुछ तुम्हें मिलेगा, लोग तुम्हें बेबी फेस ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हील। इस वजह से क्या हुआ था, नेविल जो था वो WWE से एग्री नहीं कर रहा था, और जिससे कि WWE ने कहा कि अगर तुम्हें नहीं मंजूर तो तुम रिलीज ले लो। तो एड्रिन नेविल ने कहा ऑफ कोर्स ठीक है, मैं तुमसे रिलीज लेता हूं। बट क्या बात थी, अब एड्रिन नेविल जो है अभी तक WWE से निकाला नहीं गया है, तो क्या कारण है कि अब WWE क्यों उसे बेबी फेस नहीं बनाना चाहती। बिकॉज WWE के पास ऑलरेडी कर्जर वेट में बहुत सारे रेसलर्स जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यानी कि जैसे कि हम बात करें कलिस्टो, एंजो मोरे, जो कि इनफ ड्रामा फिल कर सकते हैं। अब थर्ड कंपटीटर कर्जर वेट चैंपियनशिप में डालने के लिए सही नहीं रहेगा। जब कलिस्टो आ गया तो एड्रिन नेविल को लगा कि बस अब ये मेरा टाइम गया, अब ये कलिस्टो क्यों ही पुश देंगे, तो उसने ये सब चीज की और WWE ने उसे कहा कि अगर तुम रिलीज चाहते हो तो हम तुम्हें रिलीज दे सकते हैं, तो उसने कहा ठीक है। पर अभी तक कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, क्या होगा क्या नहीं होगा। जहां तक मुझे लगता है नेविल रिलीज मांग लेगा, नेविल रिलीज नहीं होगा, नेविल फायर होगा। कि बिकॉज क्या होता है, जो भी कोई रेसलर जो होता है रिलीज होता है जब उसका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाता है। हालांकि नेविल का कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं हुआ तो नेविल फायर होगा। बहुत सारे रेसलर जैसे कि रायबैक वगैरह, इन सबको फायर किया था, जिसके बाद वो 3 महीने कहीं पर भी नहीं लड़ सकते, और 3 महीने के अंदर वो लड़ सकते हैं 1 महीने के बाद, बट यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं अरमन।